हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक वोटिंग सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है। फ्रंट एंड में सी शार्प यूज़ किया है मैंने और बैक एंड में एसक्यूएल सर्वर। तो आइए देखते हैं। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है और यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। पहले हम सेटअप ऑप्शन को देखेंगे, जहाँ पे हम पोस्ट का नेम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन किस पोस्ट के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम पोस्ट नेम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीएम, और यहाँ पे हम पोस्ट नेम ले लेते हैं पीएम, और यहाँ पे मैं अपडेट पोस्ट नेम कर दूंगा और यहाँ पे भी अपडेट पोस्ट नेम कर दूंगा। तो अब लेफ्ट साइड में सारे सीएम वाले कैंडिडेट्स के फोटो हमें अपलोड करना होगा उनके नाम के साथ, और राइट साइड में हमें पीएम वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके फ़ोटो और नाम अपलोड करना है हमें। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक जब हम करेंगे तो ये फाइल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम कुछ मैंने पहले से फोटोज़ बना रखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सब फोटोज़ को हम एज अ सैम्पल कैंडिडेट फोटोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने टोटल 8 फोटोज़ मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और अब मैं कैंडिडेट्स के नाम देने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स कॉल इट कैन 1, कैन 2, कैन 3, कैन 4। ये हो गए हमारे कैंडिडेट्स के नाम, और यहाँ पे पीएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम नाम दे देंगे कैन 5, कैन 6, कैन 7, कैन 8। ओके, अब हम लोग इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये सारा फोटो और नाम जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे और वापस मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे, और अब हम वोट पे जाएंगे। और उससे पहले हम ये रिजल्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि सारे जो वोट्स हैं सब कैंडिडेट्स के लिए 0 पे हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। ये तो ये पासवर्ड यहाँ पे डाला मैंने, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स हमने अपलोड किया था, कैंडिडेट्स के नाम वो यहाँ डेटाबेस में शो हो रहा है। तो और सबके वोट्स 0 हैं, दोनों सीएम पोस्ट के लिए और पीएम पोस्ट के लिए भी। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम बंद कर देंगे और हम जाएंगे वोट वाले ऑप्शन पे। और आप देख सकते हैं कि जो हमने फोटोज़ डाले थे उनके नाम के साथ, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल के पास 2 वोट रहेगा। वो सीएम के लिए भी वोट करेगा और पीएम के लिए भी वोट करेगा। तो चलिए वोट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कैन 1 पे क्लिक करता हूँ, तो कैन 1 पे क्लिक किया तो ये एरिया जो है आप देख सकते हैं डिजेबल्ड हो चुका है। और जैसे मैं अपना सेकंड वोट डालूंगा, मान लीजिए मैंने कैन 6 पे डाला, तो वोट अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि वोटिंग डिजेबल्ड, और हमें Ctrl W दबाना होगा दोबारा से वोट को एनेबल करने के लिए। तो चलिए Ctrl W दबाते हैं। Ctrl W दबा दिया मैंने, और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स सीएम और पीएम
के जो बटन्स हैं एनेबल्ड हो चुके हैं, और अब हम दबाएंगे कैन 3 पे सीएम के लिए और कैन 7 पे पीएम के लिए। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल वोट करेगा तो उसके लिए हम कंट्रोल W फिर से दबाएंगे, और मान लीजिए मैंने कैन 3 पे, अच्छा कैन 4 पे करते हैं और यहाँ पे कैन 8 को करते हैं। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल नेक्स्ट वोटर के लिए कंट्रोल W दबाएंगे। अब यहाँ पे सीएम पे, सीएम के साइड पे मैंने कैन 2 पे क्लिक किया, पीएम के साइड पे मैंने कैन 5 को क्लिक किया, कंट्रोल W नेक्स्ट वोटर। अब इस साइड मैंने कैन 3 पे क्लिक किया और इस साइड पीएम के लिए मैंने कैन 7 पे क्लिक किया, फिर मैंने कंट्रोल W दबा के नेक्स्ट वोटर को एनेबल किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कैन 3 को क्लिक किया और इस साइड मैंने कैन 6 को क्लिक किया, और एक लास्ट वोटर से हम वोट डलवाते हैं अभी। तो कंट्रोल W दबा के यहाँ पे मान लीजिए मैंने कैन 4 पे क्लिक किया सीएम के लिए, और यहाँ पे मैंने कैन 5 पे क्लिक किया पीएम के लिए। तो अभी हम फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल C दबाएंगे और इसे हम बंद कर देंगे, और अब हम जाएंगे अपने रिजल्ट्स वाले पेज पे। पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीएम के लिए जो कैंडिडेट 3 था उसको 3 वोट मिले हैं, और कैन 4 को 2 वोट मिले हैं, कैन 1 को 1 वोट मिले हैं, और कैन 2 को भी 1 वोट मिले हैं। तो और पीएम को जो कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स को सेम वोट मिला है, दो दो दो, ओके, और कैन 8 को 1 वोट मिला है। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक्ड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगली वीडियो में मैं इसका, इस सॉफ्टवेयर का मैं इम्प्रूव्ड वर्जन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।